अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ मकाई का चूड़ा, जो आसानी से घर पे आप बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना है। ये मैंने बनाई हूँ, तो आप भी इसे ट्राई करें। ये नाश्ते में भी खा सकते हैं, इसको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और कभी मेहमान घर पे आए तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर इसको बनाएं। आज मैं बनाने वाली हूँ मकाई का चूड़ा। उसके लिए मकाई का पोहा चाहिए और दालिया चाहिए 100 ग्राम, 100 ग्राम सेंग चाहिए, 50 ग्राम सूखा खोपरा, 50 ग्राम किशमिश, 5-6 हरी मिर्ची फीकी वाली, और थोड़ा कड़ी पत्ता, और 1/2 किलो पीटी शक्कर। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और मकाई को फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गए, होने वाले हैं। ऐसी करके सब मकाई को फ्राई कर लेंगे। और एक इसमें टॉप में निकाल लेंगे। इसको गरम तेल में ही फ्राई करना, एकदम गरम तेल में, ठंडे तेल में ये फ्राई नहीं होगा। ऐसे करके सब फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 1 किलो मकाई ली, 1 किलो मकाई का चूड़ा बना दिया। सेंग को फ्राई करेंगे। ये दालिये को भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें किशमिश और सूखे खोपरे को फ्राई करेंगे। अब इसमें हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते को फ्राई करेंगे। हमारा मकाई का चूड़ा फ्राई हो गया। अब इसमें ये सब जो फ्राई करी थी वो मिक्स करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा नमक डालेंगे। वो मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे इसमें। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, कलर वाला, ये कलर वाली मिर्ची है, तीखी नहीं है। इसमें अब पीटी शक्कर डालेंगे, शक्कर का पाउडर। शक्कर का पाउडर डालेंगे। ये मैं थोड़ा चूड़ा बना के बता रही हूँ। ये मिक्स करके चूड़ा रेडी हो जाएगा। अब ये हमारा चूड़ा रेडी हो गया। इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और कोई मेहमान आए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, और बहुत इजी है बनाना ये, और बहुत सारा बन जाता है ये घर में।